हमने आपको वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ा दिया था जी सर। आपने संयोजन अभिक्रिया देखा था, वियोजन अभिक्रिया देख लिया था, आपने ये भी देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते थे जिसके अंदर कोई एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता था। ऐसे मान लीजिए, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया, अगर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जैसे गर्म किया जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। जब कोई पदार्थ किसी छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, यानी मान लो यहाँ पर तो ये भी पहले से था ही कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म करने के बाद यह अलग अलग दो यौगिकों में टूट गया, तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। एक छोटा सा एग्जांपल और, अगर हम देखते हैं सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। देखो कैल्शियम वियोजन अभिक्रिया कराने के दो मेथड है। पहला मेथड आप C12H22O11 यानी कि सुक्रोज के ऊपर आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालो, यानी कि तेजाब, जैसे इसके ऊपर तेजाब डालोगे तो ये जलना चालू हो जाएगा और बनाएगा कार्बन प्लस वाटर, ये बनाएगा। ठीक है, जैसे हम सुक्रोज को जलाते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन और वाटर बनाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम सुक्रोज के ऊपर जलाने के लिए H2SO4 कुछ बूंदे डालेंगे तो जलना चालू होगा और जलने के बाद कार्बन और छेद के रूप में प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बच जाएगा और पानी जो हो गया भाप बन के उड़ जाएगा। एक रिएक्शन इसका और है, अगर हम मान लो C12H22O11 लेते हैं, इसके ऊपर H2SO4 न डाल के इसको हम डायरेक्टली बहुत ही तेज गर्म करें, बहुत ही अधिक टेम्परेचर पर इसको गर्म करें, तब भी वही रिएक्शन होगा, यहाँ पर बनेगा आपका कार्बन और वाटर, तो दोनों रिएक्शन इसमें आ गए। यानी कि जब हम सुपर उसको लगाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन प्लस पानी, और पानी किस रूप में बनेगा, जल वाष्प के रूप में बनेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। अब एक रिएक्शन और इसका है कि जब हम सुक्रोज को C12H22O11 को हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये समझने वाली थोड़ी चीज है कि यहाँ पर इन दोनों ने कार्बन और पानी बना, जैसे हमने इसको ऑक्सीजन के साथ जलाया ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप सुक्रोज को जलना तो आप ये वाला लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, कंडीशन आप देखेंगे बहुत तेजी से गर्म किया गया है और इसमें ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म किया गया है और यहाँ पर गर्म नहीं किया गया, इसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया है। इसमें से एक रिएक्शन हम लोग करके देख सकते हैं जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है वो ये वाला। ठीक है, हम इसको गर्म करेंगे, ये जो हमारे पास सुक्रोज है इसको हम गर्म करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर सुक्रोज है, ये रहा सुक्रोज, और सुक्रोज का थोड़ा सा हम ले लेते हैं इसमें सैंपल और इसको जला कर देखते हैं कैसे जल रहा है ये, और इसके साथ जो जलवाष्प निकल रहा है किस रूप में निकल रहा है। ये है आपका सुक्रोज, और सुक्रोज पे जब हम जलाएंगे देखते हैं क्या होता है। ये रहा सुक्रोज, जलाना चालू करते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए इसलिए इसको सीधे हीट के संपर्क में ला रहे हैं। अब ध्यान से देखना है जलता है तो कैसे जलता है सुक्रोज। ठीक है जी, अभी ये गलना चालू हो गया धीरे धीरे, टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा चाहिए, लो टेम्परेचर पर ये जल्दी जलता नहीं है, इसमें कई टाइप के रिएक्शन नहीं होंगे, सेम वही रिएक्शन होगा जो हल्का हल्का अभी धुआं उठना चालू हो गया है, क्या है, जलवाष्प है। ठीक है जी, अभी ये जलना चालू हो गया है, ये रिएक्शन चालू हो गया है, और रिएक्शन चालू होने के साथ साथ इसमें से जो ये वाष्प निकल रहा है ये क्या है, पानी ही है, और ये जो नीचे गल कर अभी जो बच जाएगा ब्लैक वाला ये क्या है, कार्बन हो गया, केमिकल रिएक्शन, शुद्ध कार्बन है। हाँ, शुद्ध कार्बन है, क्योंकि जलने के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है और जलवाष्प बन रहा है। ये जो धुआं निकलता हुआ देख रहे हो, हल्का हल्का जो धुआं निकल रहा है यहाँ से, ये क्या है, जलवाष्प है, और जो यहाँ पे बच जाएगा वो क्या रहेगा, प्योर कार्बन बच जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इसे हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में और किसमें टूटेगा, जलवाष्प, दोनों केमिकल रिएक्शन सुन आएगा। थोड़ी जला हुआ है, देखो ये पूर्ण रूप से जला हुआ है, नहीं पूर्ण रूप से नहीं जला हुआ है, अपूर्ण रूप से जला हुआ है। अगर इसको पूर्ण रूप से अगर जला गए तब नहीं बनेगा, ये अपूर्ण रूप से जला हुआ है, बीच में अवक्षेप भी बच गया है, ये अवक्षेप कार्बन का ही है, कार्बन का, ये चीज आपको ध्यान देना है। किस सब के लिए एग्जांपल था, ये सुक्रोज, सुक्रोज
अभिक्रिया कौन सी थी? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया समझ लें। इसके बाद अब आपका रह गया विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको देखना है विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन को हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर कोई अधिक क्रियाशीलता तत्व निम्न क्रियाशीलता यानी कम क्रियाशीलता वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, विलयन संहिता को बाहर कर देता है। ऐसे अगर दो बच्चे किसी छोटे गेंद के लिए लड़ रहे हैं उसमें से अगर एक बच्चा मोटा हो तो पतले वाले बच्चे छोटे वाले बच्चे से गेंद छीन लेगा आसानी से, क्योंकि वो मोटा है, ज्यादा पावर है उसके पास। ठीक है, मतलब जैसे हम कह रहे हैं अगर मान लो कोई हम दो बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं, एक बड़ा बच्चा हो एक छोटा बच्चा हो, अगर इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गेंद लग जाए गेंद कौन पाएगा? मोटा वाला। मोटा वाला क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है और पतला वाले के पास क्या पावर कम है, तो गेंद तो यही लेगा ना, मोटा वाला ही लेगा। इसको क्या कहते हैं जरूरत है, चाहे लाख कोशिश कर लो उसको तो वो नहीं मिलने ही वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको अगर केमिस्ट्री से जोड़ने चले जाएं तो यहाँ पर जो गेंद है इसको मान लेना इलेक्ट्रॉन। क्या मान लोगे? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई ना कोई तत्व के पास ही होगा, यानी कि वो क्या हो गया? कोई तत्व। यानी कि जो गेंद है क्या है? कोई तत्व है, और ये भी क्या है? दोनों तत्व। ठीक है, अब समझना एग्जांपल में। ऐसे मान लो कि गेंद पहले एक छोटे बच्चे के पास था, ये जो गेंद है पहले उस छोटे बच्चे के पास था। अब जैसे ही बड़ा बच्चे इसके पास गया, इस बड़े बच्चे ने इससे गेंद छीन लिया, इससे गेंद छीन लिया, ये जान लेना क्या किया? छीन लिया, यानी कि उससे ले लिया और उसको कहां पकड़ दिया? बाहर। तो रिएक्शन कैसे होगा? ये मोटे वाले के पास कौन आ जाएगा? गेंद आ गया, और ये छोटा वाला कहाँ चला गया? घर बाहर। ये रहा आपका क्या? विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको हम केमिकल्स में लिख के देखते हैं, रासायनिक विज्ञान में देखते हैं क्या कह रहे हैं, समझो। अब यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लोगे जो ज्यादा पावरफुल हो। अब ऐसा हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मान लो हम जिंक लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक। जिंक जिंक को लिखते हैं जेड एम। क्या लेते हैं? अब ये जो छोटा वाला बच्चे के साथ जो गेम था इसको हम लिखते हैं H2SO4। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सल्फ्यूरिक। अब सल्फ्यूरिक एसिड में अंदर जैसे तुम जिंक डालोगे, अब ध्यान देना यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक है आपका हाइड्रोजन और एक है आपका सल्फेट। क्या है? सल्फेट। अब ध्यान दो कि हाइड्रोजन के पास कौन है? सल्फेट। और चूंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करेगा? जिंक H2SO4 में से SO4 को खींच लेगा अपने पास। तो जिंक किसके पास चला गया? SO4 के पास। तो ZnSO4। अब देखो कौन बच गया? H2 हाइड्रोजन। इसको कहां खदेड़ दिया? बाहर। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशीलता वाला तत्व निम्न क्रियाशीलता वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। इसके अंदर H2SO4, H2 और SO4 दोनों एक साथ थे, लेकिन जैसे ये अभिक्रिया हुई आपका H2 अलग चला गया और SO4 इसके साथ। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन इससे ज्यादा पावरफुल है। ये कैसे पता चलेगा? उसमें तो मोटा पतला नहीं दिखेगा बाहर से। मान लो बच्चा था तो आपने देख लिया बाहर से मोटा है वो पतला है, लेकिन अगर ये केमिकल्स हो तो कैसे देखेंगे? ये डिपेंड करता है अपनी क्रिया करने की क्षमता पे। ऐसे सोडियम मेटल उस दिन जब आप लेके पानी के ऊपर डाल रहे थे तो आग पकड़ ले रहा था ना, क्योंकि सोडियम मेटल क्या है? हाईली रिएक्टिव है। अगर वो हाईली रिएक्टिव नहीं होता तो सोडियम मेटल को पानी के ऊपर डालने पर अभिक्रिया उतनी तेज होती नहीं होती। आप कोयला लेके पानी के ऊपर डालो, जो आप कोयला लेके पानी के ऊपर डालोगे तो अभिक्रिया होती है? बहुत धीमे धीमे होती है। आप कैल्शियम ऑक्साइड लेके पानी के अंदर डालो, अभिक्रिया होती है? बहुत तेज होनी होती है। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं जानते हो, चूना अगर मान लो पत्थर वाला चूना उसको पानी के अंदर डालोगे तो बल्टिया गर्म हो जाता है, अभिक्रिया हुई ना, उसमें अभिक्रिया हुई, इसमें भी हो रहा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है रेट के ऊपर कौन कितनी जल्दी से हो रहा है, कौन कितनी जल्दी से हो रहा है। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। क्या पढ़ते हैं? क्रियाशीलता श्रेणी। अब क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों को हम क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखते हैं, यानी कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम, फिर उससे कम, रखते हैं। अब यहाँ पर आपका हम लिखते हैं क्रियाशील, देखना बस ऐसे ही। जैसे अगला वाला चैप्टर आपका अम्ल क्षार लवण जो चैप्टर है उसके अंदर क्रियाशीलता श्रेणी पहले से दिया हुआ है, यहाँ से पढ़े लेंगे तो पहले के लिए भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले से हम लिखे हुए थे, पहले कौन है?
सोना यही होता है ना, ऑरेट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपने क्रियाशीलता श्रेणी बनाई है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लंबम, हाइड्रोजन, कॉपर और यहाँ पर आपका मर्करी, अर्जेंटाइट और ऑरेट, ये क्या है, सभी के सभी धातु हैं। लेकिन ये वाला आपका क्या है, इसमें कुछ धातु है, ऐसी बात नहीं है, सबके सब धातु ही है, ये क्रियाशीलता श्रेणी है बस। हाइड्रोजन धातु है चमकदार होती है, ये सब होता है ना धातु। हाइड्रोजन तो गैस है, गैस के अंदर कहाँ ये सब देखने को मिलेगा, इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देना होती है। ये है आपका क्रियाशीलता का घटता क्रम, ऊपर से नीचे होगी क्रियाशीलता घटती है, ठीक है। सबसे कौन अधिक क्रियाशील, कौन अब सबसे नीचे है आपका, कौन सबसे नीचे कौन है, सोना। इसीलिए सोने के ऊपर जल्दी जंग नहीं लगता है, सोने का लोग पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, सोना काफी लंबे समय तक चमकदार बना रहता है, सोने के ऊपर जंग नहीं लगता है। रीजन क्या है, क्योंकि सोना बहुत ही क्रियाशील है, क्या है, बहुत ही कम क्रियाशील, सोना बहुत ही कम क्रियाशील है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब सुनो ध्यान से, जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले को हटा स्थापित कर देगा। देखो जैसे मान लो फेरस और जिंक दिया है, मान लो फेरस और जिंक दिया है, तो जिंक जब फेरस सल्फेट के अंदर जिंक डाल रहे तो देख भी लो ये दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन, जिंक, फेरस की जिंक, जिंक। देखो जिंक ऊपर है इसलिए जिंक ज्यादा अधिक है। अब जिंक क्या करेगा, फेरस सल्फेट का ज्यादा मिलेगा, ZnSO4 Fe। अब ध्यान से देखो ZnSO4 Fe, Fe बाहर चला गया और साथ में कौन आ गया, ZnSO4। यहां पर हमने देखा कि जब जिंक फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है जिंक सल्फेट और साथ में क्या बनता है, फेरस। ठीक है, इसको लिया जाए, चलिए इधर लेते हैं ZnSO4, लेते हैं ZnSO4। अब ले लिया जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट के अंदर अब डाल रहे हैं कैल्शियम, क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम। अब बताओ क्या बनेगा, बनेगा CaCl4 CaCl4 साथ में जिंक, जिंक। यहाँ पर भी आपने देख लिया कि जब जिंक सल्फेट में हम कैल्शियम डालते हैं तब भी क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट और साथ में क्या बनता है, जिंक। अब एक चीज हम यहाँ पे लिखा है, निकलता है जिंक, विस्थापित हो जाता है या फिर बनता है, बन रहा है, निकल रहा है, बात तो वही है, विस्थापित या फिर वो बने या फिर निकले। अब बन हो सकता नहीं क्योंकि पहले से जिंक उसमें है, तो जाहिर सी बात वो निकलेगा, धक्का मार के इसे निकाल। चलिए मान लीजिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देना, अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो हम लिख रहे हैं ZnSO4 और यहाँ पे लिख दिया फेरस, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस फेरस, ZnSO4 प्लस फेरस, क्या बनेगा, ZnSO4 नहीं सर पहले निकलेगा, कौन क्या देख लो कोई निकलने वाला है, सब फेरस निकल जाएगा, FeSO4 जी। चलिए एक बच्चा बोला FeSO4 प्लस उसको जिंक हो जाएगा, ये जा करके इसमें से इसको नहीं हटा पाएगा, ये क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। कहाँ रिएक्शन होगा, नहीं होगा, अब क्रिया होगी ही नहीं होगी नहीं होगी। अच्छा मान लो तुम घर पे चावल बना रहे हो,
और टेम्परेचर फ्रिज में रख के चावल बना रहे हो बन जाएगा नो सर फ्रिज में रखने से बनेगा खाना नो सर क्यों नहीं बनेगा क्योंकि टेम्परेचर नहीं मिल रहा है उसको अब क्रिया करने के लिए जितना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पे अब यहाँ पर क्रिया करने के लिए क्या चाहिए क्रियाशीलता चाहिए आपको अब किसकी क्रियाशीलता चाहिए जो इसके अंदर जाके मिल रहा है अब मिल रहा है फेरस ऑलरेडी उसकी क्रियाशीलता कम है तो कहाँ क्रिया कर पाए ग्लोरियस बता देंगे चेहरा कल से दिखाना पड़ेगा लग रहा है सबका थोड़ा हमको दिखाइए अच्छा ये कल से हम कैमरा ऐसे भी कर देंगे दो फोन लगा तब हो जाएगा चलो ठीक है आगे चलते समझ गए ना इसमें कोई दिक्कत होगा नो जी सर रिएक्शन खुद से बना लोगे यस सर कैसे बनाना है बस एक याद बताएं सर से कोई भी बनाए कोई एक याद कर लेना जैसे मान लो ZnHn+H2SO4 उसके बाद खुद बना लेना अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बन जाएगा हमेशा CSO4 बना सकते हो ZnSO4 बना सकते हो CSO4 बना सकते हो बन सकता है ना अब बाकी सब का लिख लो और इसको भी लिख लोगे ये तुम लोग आते नहीं बनाना अब हम पढ़ते हैं द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया अब देखते हैं द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है नाम में लिखा है द्वि विस्थापन जिसे इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट डबल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी तत्व के अंदर या फिर कोई भी यौगिक के अंदर मान लो कोई तत्व छोड़ो कोई यौगिक है मेरे पास मान लो हमारे पास KGnO3 है सिल्वर नाइट्रेट जिसके अंदर हम डाल रहे हैं NaCl ध्यान से देखिएगा इसको आप अगर मान लीजिए अगर कोई तत्व है दो तत्व सॉरी कोई दो यौगिक हैं मान लीजिए मेरे पास कोई दो यौगिक हैं और ये दोनों यौगिक एक दूसरे में आपस से क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अपने आयनों की वजह से क्रिया कर रहे हैं ठीक है ये रिएक्शन कर रहे हैं अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ अपने आयनों की अदला बदली करते हैं तो उसे हम कहते हैं द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं यानी कि मुख्य रूप से वह अपने आयनों की अदला बदली करते हैं आयन आयन का मतलब चार्ज अब चार्ज का मतलब या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यही तो आयन होता है अगर कोई तत्व है मान लो जो मेरे पास कोई एक एलिमेंट ए है अगर यह एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्याग दे ये क्या बनाएगा प्लस चार्ज अगर कोई तत्व है मान लो कोई तत्व बी है अगर यह इलेक्ट्रॉन ले ले क्या बनाएगा माइनस ये दो चीज हमको देखना है कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस कोई लेता है तो माइनस यही आयन बनाते हैं चार्ज बनाते हैं यहाँ पर हमें Ag देखना पड़ेगा जो Ag होता है इसके ऊपर 1 प्लस होता है Cl के ऊपर कितना होता है 1 माइनस होता है इसलिए Ag Cl के साथ जाता है और बनाता है AgCl क्या बनाता है AgCl अब बचा Na और NO3 ये एक साथ जाते हैं प्लस Na NO3 ये कौन सी क्रिया हुई द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर दोनों पदार्थों ने आपस में अपने आयनों की साझेदारी की किसकी साझेदारी की आयनों की साझेदारी की ठीक है यहाँ पर आपका जो AgNO3 था NaCl था उसके अंदर Ag सिर्फ किसके साथ गया Cl के साथ गया और Na किसके साथ गया NO3 के साथ गया ये किसकी वजह से हो पाया अब हमने लिया बेरियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट ठीक है अब देखो हम चेक करना पड़ेगा आयन यहाँ पर देखो बी ए और एसओ फोर यहाँ पर जो बी ए है इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है और यहाँ पर जो SO4 है इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है ध्यान देना इक्वल होने चाहिए आयन आयन बराबर होने चाहिए जैसे अगर इसके ऊपर 1 प्लस था तो इसके ऊपर 1 माइनस था जैसे क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस था इसके ऊपर 1 प्लस था ऐसे इसके ऊपर 2 माइनस इसके ऊपर 2 प्लस ऐसा नहीं है कि 1 के ऊपर 1 प्लस और 1 के ऊपर 2 माइनस हो तो नहीं काम चलने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिसबैलेंस हो जाएंगे
यहाँ पर Ba किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ, तो बनेगा BaSO4 और साथ में CaCl2, क्या बनेगा? CaCl2 बन गया आपका। ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी क्या हुई, आयनों की ही साझेदारी हुई, ठीक है। यहाँ पर सल्फेट और बेरियम के बीच आयनों की साझेदारी हुई, कैल्शियम और क्लोरीन के बीच आयनों की साझेदारी हुई। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंदर पदार्थ अपने आयनों की साझेदारी करता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। हो जाएगा, बोलेगा तुम्हें ना, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर पदार्थों में अपने आयनों की साझेदारी होती है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। अब भी आप इसको